हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, सो दोबारा से शुरुआत करता हूँ। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। सबका बहुत बहुत स्वागत है टीम निष्ठा पर। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब एग्जाम्स का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका स्वागत है टीम निष्ठा पर, जिसमें हम न्यूज के साथ उसका एनालिसिस और उसका बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिए। सो विशाखा, राखी, नेहा, गर्विता, अनंत, प्रियंका, एकता, प्रसन्नजीत, विशाखा, गीतांजलि, गणेश, सबका स्वागत है। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF। चलिए तो ये थोड़ा सा गीतांजलि हेलो, ये आपस में भी हेलो चल रहा है। यशिका, ओके, वेलकम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, तो अभी हमने मिडिवल हिस्ट्री शुरू कर लिया है बहुत अच्छे से। दिल्ली सल्तनत आज हमने शुरू किया है, दिल्ली सल्तनत का आगाज कर दिया हमने, ठीक है। और स्लेव डायनेस्टी आज हमने पढ़ा। ज्योग्राफी में आज हमने थोड़ा सेशन डिस्टर्ब रहा, बट इंडियन फिजियोग्राफी शुरू किया है। और इंग्लिश की आपकी क्लासेस मॉर्निंग 9 AM पर चल रही हैं, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है, डिस्कशन ग्रुप चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। टेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट को मिस मत कीजिए। मैंने एक चीज और नोटिस की, एक टेस्ट में बहुत बच्चे रहते हैं, दूसरे टेस्ट में बच्चे कम हो जाते हैं। मतलब मैं एक दिन में 2 टेस्ट लाइव करता हूँ, तो भाई दोनों टेस्ट करने में क्या दिक्कत है? एक सुबह कर लो, एक शाम को कर लो, पर अटेम्प्ट तो करो, है ना। मतलब क्वेश्चंस जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कैसे चीजें सुधरेंगी, सुधार कैसे होगा? चलिए, कीना वेलकम, अपूर्वा, आरती, एक एक करके सो जाते हैं, एक करके सो जाते हैं, तो सुबह उठ के कर लें, ठीक है जी। 10 से 1 बजे के बीच में भी मैं लाइव रख रहा हूँ टेस्ट को, ठीक है। यही इसीलिए कि आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करें। श्रेया वेलकम। और शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। चिली एक्सटेंड्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज फॉरेस्ट फायर डिवेस्टेट्स कंट्री। अब जल्दी से मेरे को 2-3 फैक्ट लिख दिया करो। देखो, जब भी आप किसी कंट्री के बारे में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, तो मेरे को 2-3 फैक्ट ना आप आज से हैबिट बना लो। एक तो उसकी कैपिटल एक कौन से कॉन्टिनेंट में है, और उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अगर याद आ रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि एक पीयर लर्निंग भी हो जाए, सबको पता भी लग जाए कि क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसके न्यूज है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए, चिले में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है फॉरेस्ट फायर की वजह से। सो लगभग 23 लोगों की जान जा चुकी है, विच हैव बीन अकरिंग ड्यू टू ब्लिस्टरिंग हीट वेव इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि यहां पर हीट वेव कैसे चल रही है। अब तो ठंड का मौसम चल रहा है, हीट वेव क्यों चल रही है जी? एनीबडी, एनी गेस? वेरी सिंपल, पेरू करंट है, ठीक है जी। रजनी चौहान, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356। अच्छा, मतलब इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मतलब नहीं जी, इतना भी नहीं। एकता, ये आपने थोड़ा सा गलत ले लिया। सदर्न हेमिस्फीयर में है, चिले है, साउथ अमेरिका है, पेरू करंट है, कोल्ड करंट है। चलो गुड, ठीक है, गुड गुड। सदर्न हेमिस्फीयर में हम्बोल्ट और पेरू करंट इसको बोलते हैं। गैब्रियल बोरिक, दाढ़ी वाले भाई साहब, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रजनी चौहान ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। गैब्रियल बोरिक के साथ साथ में दाढ़ी वाले भाई साहब भी ऐड कर देना है। सेंटियागो कैपिटल है। एनीवेज, तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि फॉरेस्ट फायर के रीजन क्या क्या है। सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, एटलीस्ट दिस मेनी पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉलोइंग द कैलेमिटी। और ये फॉरेस्ट फायर्स आपको, वाइल्ड फायर्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन सम रीजन इंक्लूडिंग साइबेरिया, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया एरियाज विद द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और इन टाइगा बायोम आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल, ठीक है। तो यहां पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां से आ गया? हाँ जी, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। सेंट्रल चिले, सेंट्रल चिले इज द पार्ट, इज द एरिया वेर यू फाइंड द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके अलावा आपका कैलिफोर्निया वाला रीजन, मेडिटेरेनियन वाला रीजन,
साउथ अफ्रीका में केप टाउन वाला रीजन एंड देर इज योर पर्थ वाला रीजन इन ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द एरियाज वेर यू फाइंड द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, नहीं नहीं पूरे चिले में नहीं है, इट इज द सेंट्रल चिले की ना. ठीक है, ओके. सो फॉरेस्ट फायर्स क्यों होते हैं? नेचुरल रीजन समझ लीजिए. वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, स्पॉन्टेनियस फायर्स, अंडरग्राउंड कोल फायर्स, ड्राई लाइटिंग स्टॉर्म्स, रॉक फॉल, स्पार्क्स. सो ये कुछ नेचुरल कारण हैं. मैन मेड कारण सिगरेट स्टब्स, कैंप फायर्स, बॉन फायर्स, इक्विपमेंट रिलेटेड फायर्स, आर्सन फॉर लैंड क्लियरिंग, ग्लोबल वार्मिंग. दीज आर द सम पॉसिबल रीजंस फॉर फॉरेस्ट फायर्स. एंड दिस इज वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट क्लैमिटीज यू फाइंड इन द अर्थ. ठीक है, चलिए. मैगलेन स्टेट भी है. तो ये कुछ फैक्ट्स हमने इसमें पढ़ लिए हैं, तो ये देख सकते हैं आप. ठीक है, सो दिस इज द चिले एंड इट इज द लॉन्गेस्ट. ठीक है, नॉर्थ और साउथ में अगर हम एक्सटेंड देखें, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट. ठीक, चिले ये आपको देखने को बताया. चैप्रल, यस, वेरी गुड रजनी, वेरी गुड. चलिए, कैब लिथियम ट्राइंगल, बहुत सारे फैक्ट बता दिए, थोड़ा कंट्रोल करो अब. अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चिले के आते ही तुम इतने, तो गैब्रियल बारिक को भी ना पता हो फैक्ट, उतने बता दिए आपने. वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं. 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स तुर्की. अनदर स्ट्रॉन्ग टेम्बुलर फॉलोज. सो 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने हिट किया है साउथ ईस्ट तुर्की को एंड इट वॉज फॉलोड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग टेम्बुलर. इट कॉज सेवरल स्ट्रक्चर्स इन द रीजन टू कलैप्स एंड वॉज फेल्ट इन द मल्टीपल प्रोविंसेस. और अब यहां पर भी मेरे को ये बताओ कि तुर्की में ये कहां से आ गया? तुर्की तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं आता, तुर्की तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं आता, फिर इतना बड़ा अर्थक्वेक कहां से आया? क्या रीजन है? एनीबॉडी? ठीक है, आग लगा देंगे आग. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. ठीक है, मत लगाओ आग वाग. ठीक है, चलिए. तो ये आपका इस्तांबुल, अंकारा. ठीक है, और ये आपकी एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट का नाम बता दो जल्दी से मेरे को. ठीक है, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी. अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर फैक्चुअल न्यूज कब कवर होंगी? ये सारी फैक्चुअल न्यूज बीच बीच में मैं कवर करता रहता हूँ. ठीक है, सो घबराना मत. ठीक है, ये ब्लैक बॉस ने बहुत मारा, दर्द हुआ, एजी ओजी, ये वाली स्टोरी कई बार सुना दी मैंने. हाँ जी, बॉस पर स्ट्रेट है भाई साहब. ये आपका जो रीजन है ना, ये हिमालयाज और मेडिट्रेनियन वाली जो बेल्ट है. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है जी, यहाँ पर आपकी अगर देखोगे तो ये अरेबियन प्लेट, जो कि एक छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट है. ठीक है, और ये अफ्रीकन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है. यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर रीजन में ये अर्थक्वेक मिला है. सो कहने का मतलब प्लेट बाउंड्री आपको यहाँ पर देखने को मिलती है. ठीक है, प्लेट बाउंड्री है, इसी की वजह से आपको यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला है. ठीक है जी, यहीं पर एक टर्म भी मैंने आपको ज्योग्राफी के सेशन में पढ़ाई है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन टेल मी. सिस्मिक गैप. ठीक, सिस्मिक गैप के बारे में आपने पढ़ा है. ठीक है, ये टर्म आपका एग्जैक्टली द इस्तांबुल वाले रीजन में बहुत समय से जो अर्थक्वेक जो डॉर्मेंट हो रखे हैं, जहां पर डॉर्मेंट है. ओके, ठीक है. सो दिस इज द यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट. ठीक है, ये आपका अरेबियन प्लेट है और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. ठीक है जी, हाँ, नॉट रप्चर्ड इन द रीसेंट टाइम्स. वेरी गुड. यूएस शूट्स चाइनीज स्पाई बैलून ऑफ साउथ कैरोलिना कोस्ट, चाइना प्रोटेस्ट दैट अटैक. चाइना वीज लाइक, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो चाइना ने पहले तो एक स्पाई शिप भेजा, ऐसा यूएस का कहना है. ठीक है, अब यूएस ने पहले तो कहा कि नहीं जी, हम इसको मतलब शूट डाउन नहीं करेंगे. फाइनली इन्होंने शूट डाउन किया उसको. और अब ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, तो शब्दों को देखो ध्यान से. चाइना स्ट्रांगली डिसअप्रूव्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूएस अटैक ऑन सिविलियन अनमैंड एयरशिप बाय फोर्स और वॉन्ड ऑफ रेपरकेशन, के इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे तुम्हें. और हैज क्लियरली आज द यूएस आई टू प्रॉपरली हैंडल द मैटर इन अ काम, प्रोफेशनल एंड रिस्ट्रेंट मैनर. तुम्हारा जो ये क्या कहते हैं, ये जो बलून था, ये पैसिफिक ओशन क्रॉस करके यूएस पहुंच गया भाई साहब. ठीक है, और अब ये ज्ञान दे रहे हैं इनको. एनीवेज, यूएस साइड इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग फोर्स इज एन ऑब्वियस ओवररिएक्शन, सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस. अब ये चाइना का ये कहना है कि यूएस ये ओवर रिएक्ट कर रहा है और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के खिलाफ है, समझ लो.
और चाइना विल रेजोल्यूटली सेफ गार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज कंसर्न। बोला कि हमें बैलून भेजा था जैसे बच्चे को देते हैं। यस हाँ, ये बैलून वेदर देखने गया था, ये चाइना का वर्जन है, ठीक है, ये चाइनीज वर्जन है जो उन्होंने कहा। आगे चलते हैं। ब्रिटेन फेसेस लार्जेस्ट एवर हेल्थ केयर स्ट्राइक्स टू एस पे डिस्प्यूट ड्रैग ऑन। चाइना, सॉरी चाइना हैवी चल रहा है हमारे दिमाग पर, चाइना को बोलते हैं, ब्रिटेन पे आते हैं। ब्रिटेन फेसेस इट्स लार्जेस्ट एवर स्ट्राइक बाय हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नर्सेस एम्बुलेंस वर्कर्स इस तरीके से सड़कों पर आ गए। बोला ऋषि सुनक, वेक अप, जाग जाओ, ठीक है। और नेशनल हेल्थ सर्विसेज में जो कह लीजिए नर्सेज हैं उनकी सैलरीज को बढ़ाओ, एम्बुलेंस वर्कर्स की सैलरीज को बढ़ाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा कह लीजिए प्रोटेस्ट चल रहा है 75 सालों का, और यहाँ पर लगभग 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स, मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, हैव बीन स्टेजिंग स्ट्राइक सिंस लास्ट समर, एडिंग टू द प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। क्योंकि ऑल टाइम हाई, पिछले 40 साल का हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर प्राइसेस आपकी ऑल टाइम हाई चल रही हैं और कंपैरेटिवली आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, तो जिसको हम रियल इनकम कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है रियल इनकम का कंसेप्ट। मान लीजिए किसी की 1 लाख इनकम है, ठीक है, उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट मिल गया उसको 10%, ठीक है, तो वो 1,10,000, ठीक है, गाना चल रहा है घर में, पार्टी चल रही है सैटरडे सैटरडे, ठीक है, तभी आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति पहुंचता है, वो कहता है कि भाई साहब तेरी तो सैलरी बढ़ी नहीं है, कम हो गई है। वो तो कहता है कैसे, कि तुम कहोगे कि जी 12% इन्फ्लेशन था, ठीक है, तो 1 लाख की जो वैल्यू थी अब वो 1,12,000 है, तो प्रैक्टिकली तुम्हारी सैलरी 10,000 बढ़ी नहीं है, 2,000 प्रैक्टिकली कम हो गई है, ठीक है, तभी आप पार्टी से बाहर, ठीक है, तो उसकी पार्टी का मजा खराब करके आप जो है, तो रियल इनकम जो है लोगों की कम हो रही है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। बेसिकली इन्फ्लेशन इज ईटिंग अप टू योर द इनकम पार्ट बेसिकली, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है आपकी इनकम को खा रही है, ऐसे समझ लो, महंगाई डाइन खाए जाता है, तो वो वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग इन इंग्लैंड, ठीक है, तो इसको लेकर ही लोगों का सड़कों पर उतरना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट रेडीज न्यू बिल प्रपोजिंग 5 ईयर जेल टर्म फॉर डेफोमेशन ऑफ आर्मी एंड जुडिशरी। देखो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि मतलब कहना नहीं चाहिए बट कह भी सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हो क्या रहा है कि लोग जो है वहां पर इन्फ्लेशन से त्रस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है, बात हम कर ही रहे हैं कि कलैप्स होने की स्थिति पर है, आईएमएफ लोन की किश्त देने के लिए मना कर रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह तक कह दिया कि जो कंडीशंस हैं वो अनइमेजिनेबल हैं, ठीक है। अब यहां पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है किस पर, आर्मी पर और इवन जुडिशरी पर भी। आर्मी पर इसलिए कि इतने साल जो है कहीं ना कहीं डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है और किस तरीके से मिसमैनेज किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी को, तो अब इन्होंने क्या कहा कि हम जो है अमेंडमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड, जैसे भारत में आईपीसी है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में, और जो भी आर्मी और जुडिशरी के खिलाफ बोलेगा उसको 5 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो ऑफेंस होगा ये नॉन बेलेबल होगा, ठीक है, नॉन बेलेबल का ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता कि बेल नहीं मिलती, उसमें बेल मिल सकती है, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट इज अ कोर्ट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट में जज की डिस्क्रिशन पे होता है, एंड नॉन कंपाउंडेबल होगा ये, मतलब आप एक कहते हैं ना कि जुर्माना दे के बच नहीं सकते हैं, एंड मोर ओवर इट ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, ठीक है, कॉग्निजेबल होगा, मतलब पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। मोर ओवर इट कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन अ सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट में, मतलब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहते हैं या उसके अब ही ये चैलेंज हो सकता है, ठीक। तो यहां पर मतलब कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते आर्मी या जुडिशरी के खिलाफ, ठीक, कुल कुल मिला के ये सीधा सीधा जो कह लीजिए डिसेंट है, ठीक है। देखिए आप दो चीजें हैं, आप एक तरफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ
डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जैसे हमारे यहाँ पर आर्टिकल 91A है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें राइट टू डिसेंट भी रहता है, ठीक है। राइट टू डिसेंट इज ऑल्सो ए वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी बिकॉज दैट गिव्स यू अ वॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। एनीवेज, आगे चलते हैं। पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का देहांत हो गया है एंड ही पास्ड अवे आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस इन दुबई। और खैर, इनका टेन्योर जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। चार साल की उम्र में ये भारत से पाकिस्तान, 1943 में इनका जन्म हुआ भारत में, दिल्ली में। और उसके बाद जब पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले जाते हैं, बाद में आर्मी ऑफिसर बनते हैं, इवेंचुअली रीच्ड अप टू द आर्मी चीफ ऑल्सो, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल वॉर। एंड उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने कोशिश करी इनको हटाने की, इन्होंने उनको ही हटा दिया, मतलब मिलिट्री कू किया और प्रधानमंत्री को ही कुर्सी से हटा दिया और खुद बाद में जो है गद्दी पर बैठे और राष्ट्रपति बने। और बाद में जो है इन पर इवन बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में भी कह लीजिए इनको, इन पे केस चला, ठीक है, इनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया गया रेड मॉस्क क्लेरिक के किलिंग केस में भी। इसके अलावा इन पर करप्शन के भी बहुत सारे चार्जेस लगे। फाइनली ही वेंट टू दुबई 2016 में कि मैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने जा रहा हूँ एंड इवेंचुअली ही सेटल्ड ओवर देयर ओनली, ठीक है। सो फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, फॉर 6 से 7 ईयर्स ही वॉज देयर सेटल्ड इन दुबई इटसेल्फ। चलिए, ओके, चलिए कंट्रोल। नेपाल आरएसपी विद्रॉस फ्रॉम कॉलिशन गवर्नमेंट ऑफ पीएम प्रचंड। पीएम प्रचंड अभी अभी पीएम बने थे, अब इनकी सरकार या इनकी सत्ता भी थोड़ी सी खटपट लग रही है क्योंकि एक कॉलिशन पार्टनर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो नेपाल के रूलिंग कॉलिशन से विड्रॉ कर लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि जो इनके पार्टी के हेड हैं, मतलब इस पार्टी के लेमाइचने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, 48 ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम चितवन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बट ही सब्सिक्वेंटली लॉस्ट द इलेक्शंस क्योंकि ये अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए और ये कहा गया कि ये जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है ये इनवैलिड है। बाद में ये दोबारा से उस चीज को कह लीजिए कंटेस्ट करते हैं, अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, रीक्वायर, इन विच ही मेट प्रचंड। उन्होंने अब क्योंकि ये मंत्री थे, क्योंकि आप नेपाली सिटीजन नहीं हैं तो आपको अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्योंकि दोबारा ये सिटीजनशिप इन्होंने एक्वायर कर ली है तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे को दोबारा मंत्री बनाया जाए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री वहां के एग्री नहीं कर रहे हैं। ये होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, अब इन्होंने कहा कि मेरे को अगर आप नहीं बनाओगे मंत्री तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। तो लेट्स सी, अब नेपाल में भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब फाइनली इसको लेकर क्या होगा, लेट्स सी। आगे चलते हैं नेशनल न्यूज में। एक्शन ऑन चाइल्ड मैरिजेस इन असम लीव्स गर्ल्स इन डिस्ट्रेस। असम में वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मिलता है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह कहा जाता है कि चाइल्ड मैरिज को जो है एक रीजन माना गया कि चाइल्ड मैरिज के चलते ही ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट था। देखिए, लॉ पहले से भी था चाइल्ड मैरिज को लेकर, पर अब जो सरकार है, अभी की सरकार जो है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में उन्होंने काफी ज्यादा इसको लेकर मतलब क्रैकडाउन शुरू कर दिया, काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब लोगों का ये कहना है कि जी आप पहले भी लॉ था, पहले तो आप सख्ती नहीं कर रहे थे, अब आप सख्ती कर रहे हैं तो हमें पहले बताना चाहिए था कि हम फिर थोड़ा सा ध्यान रखते इस बात का। अब हो क्या रहा है कि जब आप जो चाइल्ड मैरिज केस में जो हस्बैंड है उसको जो है पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है और इसमें एक्सपर्ट्स का डिफरेंट व्यूज है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ठीक है, ये लॉ है और इट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, बट एट द सेम टाइम जैसे स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये भी लाइक दे आर टीनेजर्स और दे आर वेरी यंग, सो इनको थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ डील करने की जरूरत है ताकि इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो
और इनको मेन स्ट्रीम के साथ मिलाया जा सके, दोबारा से इंश्योर किया जा सके। तो यहां पर जो कुल मिला के कहानी ये आती है कि ये प्रॉब्लम थी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट की, विच इज गुड के उस चीज को काउंटर करने के लिए या उस चीज को ठीक करने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को पर क्रैक डाउन चल रहा है। बट एट द सेम टाइम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज के अवेयरनेस, एंड द सेकंड पॉइंट इज के लोगों को पहले से बताया भी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ गई है, बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट है। सो एवरेज ऑफ 31 मैरिजेस ऑफ परसेंट ऑफ मैरिजेस रजिस्टर्ड इन स्टेट आर प्रोहिबिटेड एज ग्रुप। सो 31% जो मैरिजेस हैं वो प्रोहिबिटेड एज ग्रुप में है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पर डिस्कशन चल रहा है, तो ये आपका एक डिस्कशन का भी टॉपिक बनता है। ठीक है, डिस्कशन का भी टॉपिक बनता है कि किस तरीके से हमें मतलब वेदर इट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, वेदर इट शुड नॉट बी, व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर टू डिक्रीज द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। ठीक है जी, तो ये आप कल डिस्कशन ग्रुप में इसको थोड़ा डिबेट में ला सकते हैं इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी रोल्स आउट 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन 11 स्टेट्स एंड यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले परस्पेक्टिव को लेकर। और देखिए लास्ट ईयर अगर आप अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक देखेंगे तो हमने टोटल जो ऑयल इंपोर्ट किया है वो लगभग लगभग 10 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, 10 लाख करोड़ का। ठीक है जी, और पिछले साल ये उससे भी बड़ा है, लगभग लगभग ये 12 13 लाख की फिगर बैठेगी। ठीक है, अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि एनर्जी जो डिमांड है भारत में वो बढ़ती जा रही है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन इज कि हमारी जो कह लीजिए पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। सो दैट इज हाउ आर एनर्जी कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। बट एट द सेम टाइम दिस मच ऑफ ह्यूज इंपोर्ट बिल इज लीडिंग टू ह्यूज ट्रेड डेफिशिट ऑल्सो, वॉट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि किस तरीके से हमारा जो आयात और निर्यात के बीच में बहुत बड़ा गैप है वो भी है। सो हाउ टू रिड्यूस दैट, तो यहां पर एक वन ऑफ द मेजर्स इज एथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज इसके बेनिफिट्स हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मोर ओवर इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, क्लीनर फ्यूल देन द नीट पेट्रोल कहा जाता है। नीट पेट्रोल मतलब जिसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है, 0% ब्लेंडिंग है। द थर्ड इज योर वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी, तो हमारे जो फार्मर्स हैं, ठीक है, शुगर केन फार्मर्स हो गए, राइस फार्मर्स हो गए, उनको एक एडिशनल इनकम का सोर्स मिलेगा, उनको एक एडिशनल इनकम का सोर्स मिलेगा। सो दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द एथेनॉल ब्लेंडिंग। लास्ट ईयर का हमारा टारगेट था एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि लगभग 5 महीने पहले अचीव कर लिया गया, और अब जो टारगेट था वो 20% ब्लेंडिंग का 2030 तक था, जो कि 2025 मतलब प्रीपोन कर लिया गया है कि हम 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। इससे जो पोटेंशियल बेनिफिट होंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये 4-5 बेनिफिट हैं, ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये आपका पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, सीडीएस में भी, सब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपका मतलब पेपर 2 में है तो ये 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं, बहुत बढ़िया से आपका एक आंसर मतलब लिखा जाएगा कि व्हाई द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। ठीक है जी, हाँ, ये काउंटर पॉइंट भी है, न्यू पाथ इज सेइंग के बट शुगर केन एंड राइस रिक्वायर्ड हाई वाटर फॉर कल्टीवेशन, बिल्कुल ठीक, बट उसका काउंटर पॉइंट ये भी है कि ये वेस्ट टू वेल्थ की भी बात करता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि राइस कल्टीवेशन में आजकल हम एक ड्राई राइस कल्टीवेशन टेक्निक की भी बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर करंट अफेयर्स की सेशन में मैंने आपको बताया था कि पंजाब सरकार ने पंजाब के किसान सॉरी
पंजाब के किसानों को मोटिवेट करने के लिए कि वो ड्राई राइस कल्टीवेशन में जाएं, उसके लिए उन्होंने एक इंसेंटिव भी अनाउंस किया था कि पर एकड़ इतना रुपया दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज दैट वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। एंड जहां पर नेचुरली राइस हो रहा है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लमेटिक एरिया। राइस वाटर हाई वाटर मतलब चाहिए, उसको पानी ज्यादा चाहिए, दैट इज प्रॉब्लमेटिक इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, बट इफ इट इज हैपनिंग इन बिहार बंगाल उड़ीसा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इवन इन द डेल्टाइक एरियाज ऑफ हियर सदर्न इंडिया, ठीक है जी। न्यू पाथ, सो 20% वाला, ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए इसमें। और ऐसा इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 15 सिटीज को कवर किया जाएगा इन द नेक्स्ट 2 years एंड इट विल बी एक्सपेंडेड टू थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया हैज सेव्ड एज मच एज 53,000 करोड़, जो ये 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की है। तो हमने मोटा मोटा याद रखो कि 50,000 करोड़ रुपया बचाया है, ऐसा भारत सरकार का क्लेम है। सो इट्स लाइक, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने ये 7-8 सालों में बचाया है, बट स्टिल 50,000 करोड़ इज एन अमाउंट, ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट है। इसे आप एक पूरा प्रोग्राम फंड कर सकते हैं, पूरी मिनिस्ट्री चला सकते हैं पूरे साल के लिए। सो E20 विद 20% एथेनॉल विल बी अवेलेबल एट 84 पेट्रोल पंप्स ऑफ 3 states ओन्ड रिटेलर्स इन 11 states एंड यूटीज, ठीक है। और इवेंचुअली इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हाँ, पोकाली राइस इन स्लाइन वाटर ऑल्सो, हाँ भाई, राखी के एरिया में भी, यस। 1500 इंसेंटिव्स पर हेक्टेयर बाय लैंड, पर हेक्टेयर लैंड बाय पंजाब, यस बिल्कुल ठीक। तो ये टारगेट जो है 5 साल हमने इसको प्रीपोन किया, ठीक है। ये डाटा देखो, ये वाला डाटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। $120 बिलियन ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। 120 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 96 मतलब लगभग 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और पिछले साल अप्रैल से लेके दिसंबर तक, ये जो अभी हमारा 9 महीने कंप्लीट हुए हैं कह लीजिए, ठीक है, जनवरी ये वाला क्वार्टर नहीं हम ऐड कर रहे, तो इसमें तो हमने $125 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। तो $125 बिलियन इसको मोटा मोटा 80 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो अमाउंट निकालो कितना हो गया, 150 × 4, हाँ वही 10 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ 9 महीने में, अब ये 3 महीने का ऐड होगा तो मान मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट मच इज द अमाउंट विच वी आर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्टिंग जस्ट द क्रूड ऑयल, ठीक है, जस्ट फॉर द एनर्जी कंजम्पशन। सो इसका अगर 10% भी हम लाइक वी विल बी एबल टू रिड्यूस, दैट विल बी अ ह्यूज सेविंग ऑन आर पार्ट। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, सो जितना, यस यस रिक्चा बिल्कुल ठीक। चलिए, तो ये शुगर केन फार्मर्स के लिए एक बून होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑयल पीएसयूज हैव सेटेड अप सेकंड जनरेशन 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरीज, जैसे पानीपत हरियाणा में, बठिंडा पंजाब में, ठीक है जी, बारगढ़ उड़ीसा भाई एरिया में। तो यहाँ पर 100 किलो लीटर पर डे, और नुमालीगढ़ असम में यहाँ पर ये कैपेसिटी के 2G बायो एथेनॉल प्लांट रिफाइनरीज भी बनाई गई हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, कंसेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हिंडर्स बैटरी स्टोरेज रिसर्च इन इंडिया। देखिए अगेन द न्यूज रिलेटेड टू, बट सर इफ वी एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट्स बाय प्रोडक्ट्स टू, हाँ ये पॉइंट भी है। अब गणेश का ये कहना है कि हम उसका बाय प्रोडक्ट भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोल डीजल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, बट आपको ये समझना ना गणेश के, उसकी डिपेंडेंसी हमारे पे बहुत ज्यादा है। अब आप पिछले साल का ये कैलकुलेट कर लो कि हम 74 रुपये था $1, अब वो 82 चल रहा है, ये ऑलरेडी जो 8 रुपए, ठीक है, और $125 बिलियन को मान लो, ठीक है, $125 बिलियन और उसको 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो इतना तो सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन से हमारा आउटफ्लो हो गया। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो ना, हमारी डिपेंडेंसी है, हमें उस डिपेंडेंसी को कम करना है, द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। ओके चलो आगे चलते हैं। दो द कंट्रीज लिथियम आयन बैटरी रिक्वायरमेंट इज ह्यूज, देयर इज नो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एट प्रेजेंट, और मेजॉरिटी जो डिमांड है वो इंपोर्ट से हो रही है। अगेन
डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, लिथियम आयन बैटरी, हम ई कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लिथियम आयन बैटरी जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, वो हम इंडिया में नहीं बना रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी है। तो जो हम अचीव करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे अनटिल अनलेस उसको हम भारत में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो सच एज लिथियम एंड कोबाल्ट आर स्कार्स एंड नीड टू बी इंपोर्टेड, देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रोड मटेरियल कंपोनेंट्स येट इन आवर कंट्री। सो बैटरी स्टोरेज सिस्टम आर क्रिटिकल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज फॉर कंसिस्टेंटली सप्लाइंग सोलर एंड विंड पावर टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड, ये कहना है। और बैटरी सिस्टम इंटीग्रेट होना चाहिए सोलर विद सोलर प्लांट विल मीन डिपेंडेंसी ऑन कोल कैन बी रिड्यूस्ड, कोल पे हम अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, फेम स्कीम और एबीसी लिथियम ट्रायंगल, यस ओके। चलिए आगे चलते हैं, सपोर्टिंग बैटरी रिसर्च। तो इसमें बोर्ड हैव सपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन द एरिया ऑफ बैटरी स्टोरेज, किस तरीके से बैटरी की एफिशिएंसीज को भी बढ़ाना है। इंडिया डिलीवर्स 50 मोर बसेस टू श्रीलंका एट प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट प्रेमिसेस अंडर इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया डिलीवर्ड 50 मोर बसेस, अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि हमने कुछ बसेस दी श्रीलंका को। सो नाउ 50 मोर बसेस टू प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट प्रेमिसेस सेलिब्रेटेड, श्रीलंका सेलिब्रेटेड 75th इंडिपेंडेंस एंड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया गोपाल बागड़े हैंडेड ओवर दिस बसेस टू श्रीलंका प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे। कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड हैज स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाइंग 500 बसेस टू श्रीलंका ट्रांसपोर्ट रोड, जिसमें 75 बसेस ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं। और ये सो दिस द ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया था कि दिस इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट लोन, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट लोन, दिस इज नॉट अ ग्रांट बेसिकली, ठीक है, दिस कैन बी लाइक रिटर्न्ड टू इंडिया और द एग्जिम बैंक इन अ वेरी लॉन्ग टर्म मैनर, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ हेल्प विच इज द इंडिया इज ट्राइंग टू डू फॉर श्रीलंका एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे स्टार्ट्स व्हाट्सएप कम्युनिकेशन फॉर इट्स पैसेंजर्स टू ऑर्डर फूड थ्रू ई कैटरिंग सर्विसेज। ये डेफिनेटली आप सबके लिए, हम सबके लिए मतलब एक इंफॉर्मेशन भी है। सो वी ऑल ट्रेवल थ्रू रेलवेज, सो इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन फॉर इट्स पैसेंजर्स टू ऑर्डर फूड through e-catering services with an aim to make our services more customer-centric. Passengers can use railway business WhatsApp number. This is the number. ठीक है जी, please note down this number, especially if you are traveling in the next, the near future by railways. Two stages implement of e-catering services was planned through WhatsApp communication. First phase में business WhatsApp number will be sending a message to the customer booking e-ticket for opting e-catering services through clicking this. तो कुल मिला के खाना ऑर्डर कर सकते हैं आप, ठीक है, व्हाट्सएप के इस नंबर से। सेंटर लाइकली टू हाइक डीआरएमएस अलाउंस बाय 4% टू 42%। सो डीआरएमएस अलाउंस, या जिसको महंगाई भत्ता भी कहा जाता है, बेसिकली ये इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड होता है। तो ये 1 करोड़ एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को फायदा देगा। डीआरएमएस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स आर वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ब्रॉट आउट बाय द लेबर ब्यूरो एवरी मंथ। सो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा इट वॉज रिलीज डीआरएमएस अलाउंस हाइक 4.3, बट द गवर्नमेंट डज नॉट फैक्टर इन हाइकिंग बियॉन्ड द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, सो लाइक 4 percentage point टू 42%। नेक्स्ट है, ईजिंग एन एल्बर्ट्रॉस ऑफ द नेक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। अब मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पर्टिकुलर रीजन कौन सा है जहां पर इसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी हैज रेकमेंडेड दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्लोज टू 800 किलोमीटर अबाउट 10% ऑफ द लेंथ ऑफ प्रपोज्ड पावर लाइंस। देखो अब यहां पर कंफ्लिक्ट आ गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का या एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का वर्सेस सोलर पावर का। राजस्थान में जहां पर सोलर पावर का एक ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक है, थार डेजर्ट में, यस विशाखा,
जहां पर आपका बहुत ह्यूज पोटेंशियल है वहां पर सोलर पावर लगाया गया, बट उसमें जनरली क्या हो रहा है कि पावर लाइंस में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उन पावर लाइंस में फंसकर मर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मतलब एक पिटीशन डाली गई कि ये जो पावर ओवरहेड पावर लाइंस हैं इनको अंडरग्राउंड किया जाए। अब ये कहा गया कि जब अगर ये अंडरग्राउंड होंगी तो जो सोलर पावर है उसकी प्राइस, जो ओवरऑल प्राइस है पर यूनिट कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ेगी तो जो एक हम पुश देना चाह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, वो रुक जाएगा और इससे रिन्यूएबल एनर्जी महंगी होगी और इससे मतलब ओवरऑल जो एक इस सेक्टर को ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। नाउ हाउ टू बैलेंस बिटवीन द बोथ, ठीक है जी। सो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यस राजस्थान गुजरात वाला रीजन, तो यहां पर ये कहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन बनाया जाए जहां पर ये चीज, जो कि डेडिकेटेड एरिया है जहां पर यहाँ इस तरीके के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, तो बैलेंस करके चलना है। दिस इज हाउ द लाइक द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड फॉर दैट। अपॉइंटेड 3 मेंबर कमिटी फॉर परमिशन टू गो अहेड विद ओवरहेड लाइंस विद मॉडिफिकेशन इंक्लूड इंस्टॉलिंग बर्ड डायवर्टर्स। एक तो बर्ड डायवर्टर्स उनको बताया जाए, विच आर फ्लैप्स इंस्टॉल्ड ऑन द पावर लाइन्स दैट वर्क लाइक रिफ्लेक्टर्स आर विजिबल टू द फ्लाइंग बर्ड्स फ्रॉम अबाउट 50 मीटर्स अवे। तो उसको दूर से दिख जाए कि हाँ जी यहाँ तार है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँ, ठीक है। गिविंग देम अ चांस टू स्वर्व आउट ऑफ द पाथ फॉर द पावर लाइन। द ग्रेट इंडियन बस्ट इज अ रिलेटिवली हैवी बर्ड नियरली अ मीटर इन हाइट विद फ्रंटल विजन मेक्स इट हार्ड टू अवॉइड कोलिजन। लो वोल्टेज लाइन्स आर मोर लाइकली टू इलेक्ट्रोक्यूट द बर्ड्स बट दे आर मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन्स ड्यू टू कोलिजन। सो यहाँ पर ये भी कहा गया है, एक स्टॉप गैप मेजर है और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि डेडिकेटेड आपके एरियाज रहेंगे, इसकी भी बात की गई है कि उस एरियाज में जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पर प्रायोरिटी जोन बनाए जाए, बेसिकली थार और कच्छ डेजर्ट्स में। सो प्रायोरिटी जोन आर द एरियाज वेयर बर्ड्स आर नोन टू लिव, पोटेंशियल रीजन्स आर दोस वेयर कंजर्वेशन प्रोग्राम सच एज ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी आर ऑनगोइंग। तो उन रीजन्स में जो है लो वोल्टेज पावर लाइन इन एरियाज डिमार्केटेड, इस तरीके से डिमार्केट किया जाए। तो दिस इज हाउ बैलेंस। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है जो कई बार आप देखेंगे पेपर 2 में क्वेश्चन पूछता है स्टैंडर्ड, कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन रिन्यूएबल एनर्जी जो जिसको कि सरकार का काफी ज्यादा पुश है उसके साथ भी एक कन्फ्लिक्ट है, बट दिस इज हाउ वी हैव टू बैलेंस द थिंग्स। तो ये रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टर या डाइवर्टर्स कह लीजिए, और एक डेडिकेटेड एरिया है उसमें कम प्रोजेक्ट्स को लगाया जाएगा, बाकी जगह लगाया जाएगा। यस, अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, दैट इज अ वेरी वेरी फेमस टैगलाइन। इट इज फॉर अदर, ठीक है, लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ ऑल्सो। चलिए आगे चलते हैं इकोनॉमी में। अडानी सागा वरीज इंडियाज नेबरहुड। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैंने उसमें 2 पर्सपेक्टिव आपको बताए थे, जल्दी से एक बार क्विक रीकैप कर देता हूँ कि अडानी ग्रुप पर क्या एलिगेशंस लगे हैं। अडानी ग्रुप पर क्या एलिगेशंस लगे हैं, देखो हिंडनबर्ग ने एक कंसेप्ट होता है राउंड ट्रिपिंग, ठीक है, राउंड ट्रिपिंग, तो उसका एक कह लीजिए एलिगेशंस लगाया। उसमें ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने फॉरेन में मतलब विदेशों में कई सारी शेल कंपनीज को बनाया। शेल कंपनीज होती हैं मतलब जो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रही हैं, ठीक है, शेल एंटिटीज को बनाया उसमें ट्रांजेक्शन को शो किया, यहाँ का जो पैसा है वो वहां पर दिखाया गया, मतलब जैसे कोई चीज खरीदी बेची गई है और इस तरीके से पैसा पहुंचाया गया विदेशों में और उस पैसे को रीरूट करके दोबारा से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया, अपने ही शेयर्स को दोबारा खरीदा गया और इससे शेयर्स की प्राइसेस काफी ज्यादा इन्फ्लेट हुए, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 3 साल में लगभग 800% से ज्यादा, कई शेयर्स तो 800% से ज्यादा मतलब 8 टाइम से ज्यादा ग्रो किए हैं। सो उस केस में क्या किया गया है कि ये एलिगेशन है कि मतलब ये
इस तरीके से शेल कंपनीज के थ्रू पैसा रीरूट करके शेयर्स को मैनिपुलेट किया गया। अब जब उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब आपने उतने ओवर प्राइज्ड स्टॉक्स को, ओवर प्राइज्ड शेयर्स को ले जाकर क्या किया, बैंक्स के पास रखा और उस पे लोन ले लिया, ठीक है। और लोन लेके आपने क्या किया, उसके बाद जो है बहुत सारी और प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए, बहुत सारी कंपनीज एक्वायर की। दिस इज हाउ द एलिगेशन आर। अब अडानी ग्रुप का हिंडनबर्ग पर क्या जो है आरोप है कि दैट दे आर ऑफिशियली अ कंपनी, जो कि मैंने एक टर्म बताया था, कैन एनी बडी शॉर्ट सेलिंग, यस ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है। इट दे आर ऑफिशियली शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपने, आप बेसिकली, आपको लग रहा है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अभी इसके प्राइसेस 200 रुपए हैं शेयर के, ये कल को 100 रुपया रह सकता है, तो आपने शेयर बेच दिए 200 के, ठीक है। बट आपको 1 महीने का या 15 दिन का टाइम मिला, उसके बाद आपको ये शेयर खरीदने हैं, ठीक है। बट अगर ये प्राइस बढ़ गया, ठीक है, 200 से ऊपर, देखो आपने 100 शेयर खरीदा, ऐसे समझो कि 200 × 100, 200 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, तो आपने 20,000 के आपको प्रॉफिट आ गया। आपको लग रहा है कि प्राइस कम होगा, ठीक है, प्राइस कम होकर 150 रह गया, और × 100 शेयर्स, तो ये 15,000 एक महीने बाद, तो ये 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया। बट अगर ये प्राइस 200 से 250 चला गया, तो आपका 5,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि उस समय आपको 250 रुपए का एक शेयर खरीद के देना पड़ेगा ब्रोकर को, तो 25,000, ठीक है। इस तरीके से दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट वी कॉल द शॉर्ट सेलिंग। तो अब इन पे ये एलिगेशन है कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया। तो ये तो होगी अडानी वाली जो मैंने न्यूज आपको बताई थी कि अभी क्या चल रहा है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। अब ये न्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है। पॉलिटिकल एंगल ये आ गया है कि अडानी ग्रुप का नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। और इसमें कुछ एलिगेशंस भी हैं, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं, दैट द प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द नेबरहुड इंक्लूडिंग दोज इन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बहुत सारे, लगभग सारे देशों में ये आपको इनके प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो FPO था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 20,000 करोड़ का, वो भी मतलब उसको डिले कर दिया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि इस 20,000 करोड़ को लेकर जो बैंक से लोन लिया गया है उसको पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया, देखो यहां पर एम्फेसाइजिंग अडानी स्टॉक्स फॉल दैट नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू, कि ये जो एक कंपनी के अगर शेयर्स गिर रहे हैं तो ये फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। बट यहां पर आपको ये समझना है कि श्रीलंका, मतलब एक एग्जाम्पल दी है इसमें कि श्रीलंका में जब वहां पर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना था, तो वहां के जो ऑफिशियल ने क्या लिखते हैं कि ये जो प्रपोजल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, अडानी पावर का जो कह लीजिए वो था। और ये भी कहा गया कि ही हैड बीन समन्ड बाय प्रेसिडेंट गोटाबाय राजापक्षा, हु टोल्ड हिम दैट ही वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ओके अडानी प्रपोजल। तो ये एलिगेशन लगाने की बात की गई है। लेट्स सी, अब ये इस पर काफी ज्यादा आपको पॉलिटिकल विवाद देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। और फिर जो राजापक्षा, मतलब जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाय राजापक्षा, उन्होंने इस एलिगेशन को डिनाई किया, और जिन्होंने ये बाद में अपने शब्दों को वापस लिया था, उनको रिजाइन करना पड़ा, ठीक है, एंड विड्रॉ, आफ्टर विड्रॉइंग हिज स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ किया और उसके बाद उसमें से विड्रॉ, मतलब रिजाइन भी करना पड़ा। इवन यहां पर अगर आप नेपाल, यस, यहां पर भी ये अगर आप देखेंगे ये बात कही गई थी कि सच अ ग्रेट पावर फ्रॉम नेपाल टू भूटान, एंड व्हेन ही एंड मिस्टर मोदी इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट, और एग्जैक्टली ये चीजें भी कही गई, डेफिनेटली पीपल इन नेपाल आर इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट अराउंड द अडानी ग्रुप एज द ग्रुप इज सीन क्लोज टू द करंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फॉरेज इन टू नेपाल आर जनरली व्यूड एज अ पार्ट पुश बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा सुजीव शाक्य, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट है, फाउंडर चेयर है नेपाल इकोनॉमिक फोरम के जो ये ग्रुप है इसको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, ऐसा उन्होंने कहा अपनी बात में। तो ये आप आने वाले कुछ दिनों में अगेन इसको लेकर
पॉलिटिकल विवाद रहेगा, बट ऑफिशियली ये कहा गया कि ये जो है इट इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू, दिस इज अ लाइक यू कैन से कि ये एक कंपनी का इशू है. लेट सी इसमें आगे फर्दर क्या होता है, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है ऑफिशियली, जो कि ऑपोजिशन ऑब्वियसली डिमांड कर रहा है. ऑपोजिशन तो जेपीसी की भी डिमांड कर रहा है, तो अभी आगे आने वाले दिनों में क्या अपडेट होगा वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है जी, चलो. तो मैंने आपको अडानी इशू का पूरा इशू भी बता दिया कि हिंडनबर्ग ने क्या एलिगेशंस लगाया, हिंडनबर्ग पर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं वो भी मैंने बता दिया, हाउ दे मेक प्रॉफिट्स. ठीक है, इट इज बीइंग सेड कि दे आल्सो मेक प्रॉफिट्स, ह्यूज प्रॉफिट्स बाय, जैसे कि अडानी स्टॉक्स नीचे आए हैं, और अब ओपोजिशन क्या कह रहा है और बाकी गवर्नमेंट्स क्या कह रही हैं. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट है अदिति अशोक क्लिंच फोर्थ एलईटी टाइटल. सो अदिति अशोक कंप्लीटेड अ वाई टू वायर विन फॉर हर फोर्थ लेडीज यूरोपियन टाइटल, बट द फर्स्ट सिंस 2017 इंडियन स्टार हु केम विद अ विस्कर ऑफ ओलंपिक मेडल एट टोक्यो शॉट 74 विद टू बोगेस इन द लास्ट फोर होल्स. सो बेसिकली गोल्फ टूर्नामेंट इन्होंने जीता है अदिति अशोक. नेक्स्ट है तेजस्विन ओवरकम्स वर्ल्ड चैंपियंस चैलेंज टू विन हाई जंप गोल्ड इन बॉस्टन. सो इंडियन हाई जंपर तेजस्विन शंकर ओवर केम अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज फ्रॉम फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट डोनाल्ड थॉमस ऑफ बहामास टू विन टॉप पोजीशन इन द न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स. सो 24 ईयर ओल्ड दिल्ली बॉर्न एथलीट 2.26 मीटर्स एज ही पुश्ड 2007 वर्ल्ड चैंपियन एंड 2010 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट 30 ईयर ओल्ड थॉमस टू सेकेंड स्पॉट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोकोनट्स ब्रोकन लकी पीनट शेयर्ड नासा इसरो सैटेलाइट निसार. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, निसार गेटिंग रेडी फॉर 2024 लॉन्च. सो टू ब्रोकन कोकोनट्स ले इन द फ्रेम एज द चेयरमैन ऑफ इसरो रिसीव्ड द जार ऑफ पीनट्स फ्रॉम नासा ऑफिशियल. दिस इज अ मॉडल ऑफ क्रूशियल कॉम्पोनेंट फॉर द फर्स्ट एवर इंडिया यूएस जॉइंट सैटेलाइट मिशन नोन एज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. और ये इक्विपमेंट देखो, सिंथेटिक अपर्चर रडार का क्या है, बेटर क्लैरिटी देता है ओवर द एरिया, ओवर एन एरिया. सो सेंड ऑफ फ्रॉम नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया बोथ फॉलोइंग बोथ इंडियन एंड नासा ट्रेडिशंस. सो निसार एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलप्ड जॉइंटली बाय अमेरिकन एंड इंडियन स्पेस एजेंसीज, ऑब्वियसली नासा इसरो. Equipped with a highly powerful radar capable of imaging Earth's land and ice surfaces. मैंने आपको बोला कि better images आपको provide करता है in all weather conditions day and night. ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं निसार, NASA ISRO synthetic aperture radar. New kind of ice, amorphous solid water frozen in time. Scientists have created a new type of ice that matches the density and structure of ice, structure of water. Perhaps opening a door for studying. Mysterious properties. अच्छा ये बताओ कि कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, कितने पर आइस फॉर्मेशन. तो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो एक बार. द आइस इज कॉल्ड मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस, और ये कहा गया दैट लेड बाय अलेक्जेंडर रोजो फिनसन शुक रेगुलर आइस इन स्मॉल कंटेनर विद अ सेंटीमीटर वाइड स्टेनलेस स्टील बॉल्स और टू प्रोड्यूस द वेरियंट विच हैज नेवर बीन सीन बिफोर. ठीक है जी, 100 पे बॉयल, ओके. और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ठीक है जी, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फोर डिग्री सेल्सियस 3 So normally when water freezes, it crystallizes and its molecules are arranged into the familiar hexagonal solid structure, जिसको कि हम ice कहते हैं. Ice is less dense than its liquid form, an unusual property for a crystal. ठीक है, depending upon the conditions such as pressure and speed of freezing, water can also solidified into any dozen other regular arrangements. क्या है? डेंसिटी का कुछ था. अच्छा, हाईएस्ट डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी का कुछ था पेपर में, ऐसे कैसे चलेगा. ओके,
तो कुल मिला के यहाँ पर ये मतलब जो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी है, 100 पे बल्क, तो ये जो और अमोफस जो कह लीजिए सॉलिड क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि सॉलिड होने पर इसकी डेंसिटी कम है, लेस डेंस देन इट्स लिक्विड फॉर्म, जो कि एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, इसी को स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। यस, नेक्स्ट है आपका डिफेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन कर्नाटका तुमकुरु, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था लास्ट आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था। सो ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्प्रेड ओवर अराउंड 600 एकर्स ऑफ लैंड, तो ये आपका तुमाकुरु कर्नाटका में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और अगेन आत्मनिर्भर भारत हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर, पहले 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर होगा, इवेंचुअली इट विल इंक्रीज टू 60, देन इट विल इंक्रीज टू 90, सो दिस इज इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है जी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में गोल्डन बुक अवार्ड्स एम टू रिकॉग्नाइज हार्ड वर्क क्रिएटिविटी एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्कर्स हु ऑफन गो अनरिवॉर्डेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, सो ये आप देख सकते हैं अश्नीर ग्रोवर की दोगलापन हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, ये भी फीचर कर गई है। ये आपका स्पेशली एफ कैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एफ कैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स द मोस्ट लाइक्ड लीडर इन द वर्ल्ड विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ अबव 75%। तो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट, उन्होंने दुनिया भर के लीडर्स की एक अप्रूवल रेटिंग बताई, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अप्रूवल रेटिंग्स अमंग 22 नेशंस इट सर्वेड, सो अब ये अपने आप में एक ठीक है पॉइंट ऑफ डिबेट है, बट यस, ओवर 250 डेस्कटॉप्स एंड 200 मदरबोर्ड्स केबल्स 1500 रिवेट्स मोर देन 9000 स्क्रूज, नो दिस इज नॉट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एट अ जंक यार्ड, ई वेस्ट हैज बट ई वेस्ट हैज बीन गिवन अ सेकेंड लाइफ, 10 फीट टॉल स्टैच्यू बाय जयपुर बेस्ड आर्टिस्ट इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस ऑफ मॉल रोड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कानपुर, मत्रक शोज अ वुमेन सिटिंग इन द फोल्डेड हैंड्स 5 फीट हाई प्लेटफॉर्म, हाँ जी इनका अलग ही जलवा है। यस, अगर आप दिल्ली में एक पार्क था, दिल्ली में एक वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, या मतलब एक वेस्ट से पार्क बनाया गया था, कोई बता सकता है? मैंने उसकी शायद फोटोज भी डाली थी, इवन आई वेंट ओवर देयर विद फैमिली, तो एक पार्क है, ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट ईयर किसी एग्जाम में, ठीक है, तो दैट वॉज इन दिल्ली, प्लीज उसका नाम लिख दीजिए एक बार, वेस्ट टू वंडर, यस वेस्ट टू वंडर। चंडीगढ़ वाला जो है वो है आपका नेकचंद जी का है, ठीक है, ओके, मैं भी गया था, नहीं निजामुद्दीन में नहीं है, नहीं, निजामुद्दीन में नहीं है, ये पंजाबी बाग वाली साइड में है। सिस्टीन चैपल ऑफ एंशियंट्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड एन इनक्रेडिबल डिस्कवरी, द वाइल्ड्स ऑफ कोलंबियन अमेज़न, दे डिस्कवर्ड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रॉक आर्ट डेटिंग बैक टू 12,500 ईयर्स, ये एक इंटरेस्टिंग है, दैट इज एज फार एज बैक द आइस एज, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ड्रॉइंग डिपिक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, तो ये आप देख सकते हैं। The find has been dubbed as a Sistine Chapel of ancient people. Archaeologists believe that detailed study of the found will take more than one generation of scientists. Rock Garden, yes. So, Mr. Nek Chand, ठीक है, Rock Garden, a ways to wonder park. Hero of the day, Brigadier Mohammed Usman Mahavir Chakra. The eyes of the world are on us. The hopes and the aspirations of our countrymen are based upon our efforts. We must not falter. We must not fail them. सो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र, नौशेरा का शेर कहा जाता है इन्हें, हिज ब्रिगेड रिकैप्चर्ड द नौशेरा ऑन दिस डे 6 फेब 1948 ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1947-48,
जब ये कहा जाता है कि कबीलाई या पाकिस्तान फोर्सेस के द्वारा सपोर्टेड कबीलाई कश्मीर में एंटर करते हैं, और उसके बाद ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा उनके पास रहा, और दैट इज स्टिल डिबेटेबल। ओके, वेज टू वंडर, हाँ जी। नहीं, वो रिसेंटली लास्ट ईयर, मतलब 1 साल ही हुआ है उसको, 1-1.5 साल ही हुआ अभी खुले को शाखा। चलिए, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, वैसे टाइम हो गया है। सो कैन वी स्किप द क्वेश्चंस, और वुड यू लाइक टू डू द क्वेश्चंस? बताओ जल्दी से। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च मैस्कट थीम सॉन्ग जर्सी, कहाँ पर होने जा रही है गेम्स? सर, ये क्वेश्चन ग्रुप में डाल देना। हाँ, ये भी ऑप्शन अच्छा है वैसे, या फिर करवा दीजिए। ठीक, चलिए, तो ये आंसर है आपका गुलमर्ग। विच कंट्री साइंड MOU विद पतंजलि फूड्स फॉर पाम कल्टीवेशन? विच स्टेट गवर्नमेंट? नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। आज आपका किस चीज का टेस्ट है? करवा ही दो ना, 5 मिनट तो लगेगा। ओके जी, ठीक है जी। वैसे जनरली काफी क्वेश्चन है आज के, 5 मिनट में होंगे नहीं, क्योंकि 2 दिन के हो गए हैं। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यस। भारत दर्शन पार्क है, यस यस यस। सॉरी, वेज टू वंडर पार्क आपका, जैसे विशाखा ने चेक करके बताया, वो भारत दर्शन पार्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत दर्शन पार्क, ये आपका 1-1.5 साल हुआ है। सो आंसर इज यर ए, नागालैंड। इंडिया इज रीच टू थर्ड पोजिशन इन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, विच इज इन द फर्स्ट पोजिशन अकॉर्डिंग टू दिस? तुर्की, उज्बेकिस्तान, यूएसए, कजाकिस्तान। अरे, बी और डी में कांटे की टक्कर चल रही है। आंसर है यार कजाकिस्तान। सो 38% ने बी दिया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड इंडिया था। चलिए, विच कंट्री विल बी द विल होस्ट द होस्ट सिटी फॉर समर ओलंपिक गेम्स 2024? होस्ट कंट्री आएगा वैसे, होस्ट कंट्री शुड बी द होस्ट, ऐसे से कर लो। अरे रुको भाई, कौन है ये? ऋषि मुखर्जी। की कौर पे दादा, ये ठूक ठीक नहीं दादा। ठीक है दादा, पोल में, पोल में। चलिए, आंसर इज योर पेरिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका
क्या हो गया, ऋषि बाय भी कर गया इतनी जल्दी? चलिए ठीक है जी। तुम गुरु अभी अभी भी बड़ा हमने। इंडिया कॉल्स विच कंट्री ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्विटोरियल गिनी, कैमरून, गैबन। सर लगता है पोल नजर नहीं आ रहा। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन विच ईयर इंडिया विल बी इनवाइटेड एज अ फोकल कंट्री ऑफ द मैड्रिड? 24, 25, 26, 27। ठीक है जी। पच्चीस 2025। एमपी गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? राजगढ़, भोपाल, विदिशा, मुरैना। ऋषि मुखर्जी, जिस तेजी से आपने आंसर दिया है उसी तेजी से मैं कहना चाहता हूँ ये आंसर गलत है। ठीक है जी। चलिए, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, मुरैना। चलिए बेटा, आंसर आपका, बेचारे कई लोग ऋषि के बातों में आ गए, आंसर भोपाल था बेटा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव अनाउंस इंडियन रेलवे विल बी इंट्रोड्यूसिंग। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्वेश्चन है ना, इसके लिए तो अलग से 2 मिनट तो पहले पढ़ने के लिए चाहिए। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा ये बताओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो सही करेगा फिर मतलब बात बनेगी। ठीक है अब बताओ, अब ना आया किसी का आंसर? विद एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ओके, सही है या गलत है, कौन सा गलत है? हाँ ये भी सही है। या फिर वो ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80, 90, पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो फाइनल देख लो कहाँ भागा है चोर। चलिए
ए और सी में कांटे की टक्कर चल रही है। ठीक है जी, सो इट इज दिसंबर 2023 और ये आपका प्रोटोटाइप है, नदन वर्कशॉप टेस्ट रन एट हरियाणा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये सही, ये सही आंसर हो गया सी। अच्छा, गल अक्कड़ वक्कड़ वाले में गलत जा रहा है मेरा तो। ओके ठीक है, पर्ली वैजनाथ विक्रमाद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, एंटायर रूट ऑफ 268 किलोमीटर इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड। कौन सी स्टेट में है ये? अच्छा, एक बात और, अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करना शुरू कर दो, खासकर एफ कैट एग्जाम के लिए। एफ कैट पे जो सीधे सीधे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और स्पोर्ट्स वाली मैंने टर्म्स की एक छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी, वो देख लेना। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी मैंने कल, अगर आप देखोगे करंट अफेयर वाले टेस्ट में, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डाले थे, ताकि आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल ऐसे 24, 28, 20%। ठीक है जी, आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। विच कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सप्लाई क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियर टर्बाइन्स? टाटा आजाद, नॉर्थन ड्यूब्लो एंड इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी। सारे क्वेश्चन बोल रहे हैं आके भी नाराज, 2-4 दिन एक फुल स्पोर्ट्स टॉपिक का टेस्ट दे दो, करंट स्टैटिक टर्म्स सब कुछ। ठीक है जी हिमांशु, कल एक सेशन होगा 12 बजे। ठीक है, कल 12 बजे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बिग मैराथन चलने वाला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। यूट्यूब पर लिंक आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिया गया है, दोबारा से मैं शेयर कर लूंगा, सो डोंट मिस आउट दैट सेशन। ठीक है जी, उसमें हम, क्योंकि आपका एफ कैट में भी और CDS CAPF में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, सो दैट सेशन विल बी लाइक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर बी है, बी आजाद। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना। US has reopened embassy, फिजी, इजराइल, वियतनाम, सोलोमन आइलैंड, ये तो आपको रट जाना चाहिए अब तक। ठीक है, ये तो रट जाना चाहिए। ठीक है जी, सोलोमन आइलैंड इज द आंसर। ठीक है, क्या बात है, 88%। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विल रिसीव 242 करोड़ ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड रिसर्च? दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, बेंगलुरु। सोलो मोलो, देखो कॉलेज बात तो सही है, फिर और टाइम भी नहीं एक्चुअली है ना, सारे टाइम स्लॉट्स बिजी हो रखे हैं, उसके बाद आपकी दोपहर में क्लास है, शाम में क्लास है, फिर रात में क्लास है। ठीक है, उसके बाद फिर अब रात में 11 बजे वाला इस टाइम बचता है। ठीक है, उसमें पता लगा आप भी झूल रहे हैं, मैं भी झूल रहा हूं। IIT मद्रास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, याया सो हैज डिक्लेयर्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ अ स्टेट, विच स्टेट और स्लैश यूटी, स्टेट स्लैश यूटी,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, त्रिपुरा। तो दिन में कल मिलते हैं 12 बजे, जो नहीं देख पाएंगे उसको रिकॉर्डेड को देख लीजिएगा। सच में ज्यादा कुछ मैं तो बोल ही रहा था पहले। ठीक है जी, आंसर है आपका लद्दाख। नासा पार्टनर्स विद विच कंपनी टू बिल्ड एआई फाउंडेशन मॉडल ऑन क्लाइमेट साइंस? आईबीएम, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। हम तो निशाचर हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, आपके लिए जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, PSF, ITBP और SSB। ठीक है जी, उनको ऐसे निशाचरों की जरूरत है तो रात भर पेट्रोलिंग कर सकें। ठीक है जी, तो आंसर इज योर आईबीएम। रिसेंटली हो कॉन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसमें कई लोगों को मिला है, ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिला है और बाकी भी लोगों को मिला है। होमंग द अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो भाई, अब तो जल्दी से खत्म होने नहीं हो आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अंडर, चलो। ऋषि कहाँ है? अब आप टीचर नहीं थक रहा, स्टूडेंट थक जा रहे हैं क्वेश्चन कर करके, समझ रहे हो? इसे ही पुराणों में कलयुग कहा गया है। चलिए, ठीक है जी, आंसर है अमन सहरावत, त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज। तो मेरे को लग रहा है कि भाग जाएंगे सब। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, गुजरात, कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज? ठीक है, वेस्ट बंगाल में। चलो, बहुत अब खत्म हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। हिस्ट्री चल रहा है, मिडिवल हिस्ट्री बहुत मजेदार लेवल पे चल रहा है भाई। देखो, मेरे को तो मजा आ रहा है, पढ़ाने वाले को तो मजा आ रहा है, पढ़ने वालों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा वो लिख दो कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और बाकियों को भी बता दो। अगर आ रहा है तो सही से बताना, जनरली कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं भी आ रहा तो भी बता देना। ठीक है, इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी, और पॉलिटी जो है वो अभी शुरू हो जाएगा, हमने मेजर पोर्शन कर लिया है। और 15 फेब से वी आर प्लानिंग टू लॉन्च द क्रैश कोर्स। ठीक है जी, क्रैश कोर्स, और इंग्लिश का बैच आपका शुरू हो चुका है। अब आई डोंट नो, मे बी 2 or 3 स्टूडेंट्स हैव कॉन्टेक्टेड द सर, और उन्होंने कहा कि सर कोई ऑफ है कोर्सेज पे, सो अगर किसी को इंग्लिश का कोर्स एक्सेस करना है सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, सो आई विल जनरेट अ प्राइवेट कूपन फॉर यू। ठीक है, और क्योंकि मैंने ऑफ बीच में दिया था, 1 or 2 or 3 स्टूडेंट्स एनरोल्ड, तो बहुत डिटेल आई थिंक इंग्लिश का आपका कोर्स चल रहा है, एग्जाम है, टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट अभी आपके लाइव हो जाएंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। ठीक है, थैंक यू तमन्ना। ठीक है, थैंक यू आशीष, थैंक यू गर्विता। 10:35 के बाद शुरू करना टेस्ट। ठीक है जी, हाँ जी, कीना, यस, द थैंक्स टू द डिस्कशन ग्रुप, वो डिस्कशन ग्रुप भी बहुत अच्छे से डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहा है। थैंक यू सो मच,
तो अभी आई विल टेक योर लीव, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस, एंड कल 12 बजे भी सेशन होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और उसमें हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगभग कोशिश करेंगे जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं कर लें, एंड थोड़ा बड़ा होगा होपफुली सेशन, तो मैराथन टाइप रहेगा। और अच्छा मैं कल लूँगी टेस्ट, सही है, ठीक है, मैं अभी टेस्ट लाइव कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, टेक केयर।